नेम हैप्पी मैंने में शांतों ब्लॉग में आपका तह दिल से तो स्वागत तो हम अपने आ चुके हैं एस मेट्रो स्टेशन लेके आज हम लोग तीनों स्टेशनों को कवर करेंगे जी हाँ आज हम लोग तीनों स्टेशन कवर करेंगे सबसे पहले आई लेंगे आई की दोनों पेंटिंग लेंगे फिर इसके बाद कल्याण को लेंगे कल्याणपुर की एक पेंटिंग लेंगे इसके बाद हम लोग लेंगे एस पी जो बीच का रास्ता पड़ता है उस रास्ते में जो पेड़ पौधे लगाएंगे उसमें जो उसमें जो पेड़ पौधे लगाएंगे उससे बीच में जो रास्ता कट नहीं दिया गया है वो देखेंगे आज कट दिया गया है कि नहीं दिया गया दिया गया है तो जहाँ पर जो पेड़ लगाए गए हैं जो पेड़ लगाए गए हैं उस उन पेड़ों में देखें किस प्रकार से किस तरह कितना अच्छा लग रहा है कितना खराब लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक काफ़ी मजा आने वाला है और मैं अगर आप लोग अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन का बटन दबा देना ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए आइए इस वीडियो को चालू करते हैं तो ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल लग चुके हैं जो कि सिग्नल देते हैं ट्रेन को लाल पीले हरे वाले और अभी हम लोग चल रहे हैं आई मेट्रो स्टेशन जो कि सामने आपको पेंटिंग एक दिख रही होगी इसमें आपको मैं एक मेन फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि आगे तक के वीडियो में बताएंगा मैं तो हम लोग आ चुके हैं अपने आई आर मेट्रो स्टेशन और ये मैं उसमें अंदर से निकल रहा हूँ और उस पर कलर कर दिया गया है पूरे तरीके से है पूरे अंदर मेट्रो स्टेशन में कलर कर दिया गया है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगा लगा दिए गए हैं मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर गया था लगभग दो दिन पहले जब मैंने मूवी बनाई थी तो उस उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है अंदर है और काफ़ी साफ़ हो चुकी है और ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिलर्स हैं जो क्लैम्बर्स हैं जो क्लैम्बर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से फिट किया गया उसमें पटरे भी पड़ चुकी आई आई से लेके एस पी एम तक उसमें पटरी भी पची हुई जिसने मेरी मूवी नहीं देखी है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो जाके देख सकता है और देखिए यहाँ पे जो कलर मेट्रो स्टेशन आई आई टी का फर्स्ट पेंटिंग का कलर है वही सेकंड पेंटिंग भी है जो जो, दोनों आई आई टी के दोनों पेंटिंग है सेम है बस कलर का डिफरेंस है वो ग्रीन कलर की है और ये, ये येल्लो और ऑरेंज और कलर की काम्बो का है उसमें ग्रीन कलर का काम्बो है इसमें ऑरेंज कलर काम्बो आप लोग सामने देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा फैक्ट जो है और आप लोगों को अभी कभी लगता होगा कि यहाँ पे देखिए क्लैम्बर्स जो हैं ये अलग प्रकार के हैं ये जो क्लाइम्बर्स आपको देख रहे हैं अलग प्रकार का और जी आगे जो क्लैम्बर्स आ रहे हैं ये अलग प्रकार के हैं इनमें डिफरेंस काफ़ी है क्योंकि इनको यूपी एम आर कुछ अलग तरह से अपना बनाने की उसको कोशिश की गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिली रहा है यहाँ पर भी मिट्टी डाल दी गई है और यहाँ पर भी जल्द से जल्द पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे आपको मैं मेन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो आई आई है आई का जो बिजली का जो होगा जो बिजली का स्तर होगा जो कानपुर से तो बिजली आएगी आएगी जब बिजली नहीं आएगी कानपुर की तरफ से तब उसमें जनरेटर नीचे लगा गए वो पूरा सोर्स सो उठाएंगे और ये देखते कल्याणपुर की आ चुकी है पेंटिंग और ये कल्याणपुर में पूरा पेंट अंदर कर दिया गया है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा और इस सामने देखते हैं कल्याणपुर का जीना आ चुका है और इस जीने में पूरी ऊपर टीन पड़ चुकी है पूरे अच्छे तरीके से है जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाई है आपको है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम अब क्रॉसिंग की तरफ काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और अभी क्रॉसिंग मिल जाएगा यहाँ पर भी पेड़ पौधों का प्रोसेस चालू कर दिया गया मिट्टी डाल दी गई है इसीलिए मिट्टी डाली गई है ताकि जल्द से जल्द पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए जाएं और अभी हम लोग चल रहे हैं एस की तरफ वहाँ पर हम लोग देखेंगे जहाँ पर पे पेड़ पौधे लगाए गए ग्रीन ग्रीन जो वहाँ पर जो लगता धूप के लिए बचाने के लिए लगाया जाता है वहाँ से रास्ता दिया गया है पैदल लोगों को जाने के लिए कि नहीं दिया गया आइए भी हम लोग चेक भी करेंगे और वहाँ से देखेंगे भी कि पेड़ पौधे हैं जो कैसे लगाए गए हैं और कितने अच्छे तरीके से लगाए गए हैं यू पी एम आर लगवाए हैं और नीचे ग्रास भी लगाई गई है मुझे सुनने में मिला था तो आइए हम लोग आज चेक भी करेंगे कि नीचे ग्रास लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है अभी सामने हल्का सा मुझे दिख रहा है गैप यहाँ मैं चढ़ा और देखिए आप लोग देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर ग्रास भी कर दिया गया है अच्छे तरीके से है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रासिंग भी की गई है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे प्रकार से ग्रासिंग की गई है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगाए गए और काफ़ी जगह भी दी गई है और यहाँ से लोगों को निकलने के लिए बीच से कट दिया गया है जहाँ से आप लोग आराम से आ जा सकते हैं लोग जो कि काफ़ी अच्छा मेट्रो ने किया यू पी एम आर सी ने और और, ग्रासिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई आप लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रासिंग की गई दोनों तरफ है आइए हम लोग अब आगे चलते हैं आगे का भी प्रोसेस देख लेते हैं आप लोग ग्रासिंग यहाँ पर देखिए कितने अच्छे प्रकार से ग्रासिंग की गई है और अगर जो भी बरसात का पानी आएगा और जो भी ऊपर जो, जो क्लैंबर्स में आएगा वो सीधे ही इसी नीचे में नीचे जगह में दिया जाएगा वो सीधे वहाँ पे ऊपर से सीधे नीचे के लिए पाइप लगाया गया है तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने एस मेट्रो स्टेशन की तरफ तो यहाँ पर गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं धीमे धीमे चल रहा हूँ तो आइए अब हम लोग चलते हैं एस पी एम मेट्रो स्टेशन जो कि काफ़ी नाम अच्छा दिया गया है ये एस पी एम हॉस्पिटल है उसके ऊपर ये एस पी एम मेट्रो स्टेशन भी नाम दिया गया है जी हाँ इस स्टेशन का एस पी एम मेट्रो स्टेशन है तो आइए अब हम लोग इसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं देखिए इसमें पूरा अच्छे तरीके से पेंट कर दिया गया है यहाँ पर भी पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से लगा दिए गए हैं ये देखिए अभी आपको मैं दिखाऊंगा साइड में ये देखिए यहाँ पे मिट्टी डाल दी गई और आगे आपको पेड़ पौधे जो आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा बाहर आ रहा ये है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है ये देखिए पेड़ पौधे कितने अच्छे तरीके से पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है मेट्रो स्टेशन में है तो हमने गाड़ी मोड़ ली है अब हम लोग चलते हैं सीधे एस के सामने देखते हैं एस सामने से हल्का सा कैसा लगता है रिव्यू ले, ले लेते हैं तो देखिए पूरी अच्छे तरीके से काम चल रहा है फ़ाइबर काम थोड़ा सा कम कम्प्लीट है जल्द से जल्द लेकिन फ़ाइबर काम कम्प्लीट रहेगा इसमें भी लिफ्ट लगा दी गई तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं अपने मेट्रो स्टेशन और आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि हमने आज तीनों स्टेशन कवर कर लिए हैं और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्योंकि मैं मैंने तो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी बनाई है आप लोग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताया कैमरा मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं लाया है तो आप कमेंट करके ये मत लिखिएगा कि आपने कैमरा ला दिया हमने बिल्कुल भी कैमरा नहीं लाया पूरी कोशिश की अच्छा ब्लॉग बनाने की है अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन का बटन दबा देना ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए और हैप्पी डियर्स हैप्पी डियर्स ब्लॉग को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें काफ़ी अच्छा लगता है तो आप लोगों ने अगर मूवी देखी है तो अच्छी बात नहीं देखी जो ऊपर मैं लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जाके मूवी देखिएगा का काफ़ी अच्छी मूवी बनी थी हमने अपना पूरा बेस्ट दिया था आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके आप लोगों ने बता ही दिया था थैंक यू वीडियो वॉचिंग बाय बाय